नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं नाग पंचमी व्रत कथा। ये कथा हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण मानी जाती है और नाग पंचमी के दिन भक्तों द्वारा व्रत को संपूर्ण करने के लिए सुनी और सुनाई जाती है। प्राचीन काल में एक साहूकार था जिनके 7 पुत्र थे। 7ों की शादी हो चुकी थी। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की थी, परंतु उसका कोई भाई नहीं था। एक दिन सेठ जी की सबसे बड़ी बहू घर को लीपने के लिए सभी बहुओं को साथ लेकर पीली मिट्टी लेने के लिए गई, तो सभी ढलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी। तभी वहां एक सर्प निकला, जिसे देखकर बड़ी बहू उसे खुरपी से मारने की कोशिश करने लगी। ये देखकर छोटी बहू ने उसे सर्प को मारने से रोक लिया और सर्प एक ओर जाकर बैठ गया। तब छोटी बहू ने उस सर्प से कहा, हम अभी लौट कर आती हैं, तुम यहां से कहीं मत जाना। ये कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और वहां कामकाज में फंसकर सर्प से किया हुआ वादा भूल गई। जब छोटी बहू को दूसरे दिन वो बात याद आई तो वह सभी को साथ लेकर वहां पहुंची और सर्प को उस स्थान पर बैठा देख बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी है इसलिए तुम्हें क्षमा कर देता हूं, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण मैं तुम्हें डस लेता। वो बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, मैं क्षमा मांगती हूं। सर्प बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई, तुझे जो मांगना है मांग ले। वह बोली, भैया मेरा कोई भाई नहीं है, बस आज से आप मेरे भाई बन गए, मेरे लिए वही बहुत है। कुछ समय बीतने पर वह सर्प मनुष्य का रूप लेकर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सब हैरान हो गए क्योंकि सभी यही जानते थे कि उसका कोई भाई नहीं है। तो सर्प बोला, मैं इसका चचेरा भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। ऐसा सुनकर घर के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तू डरना मत। छोटी बहू उसके कहे अनुसार उसके घर पहुँच गई। वहां के धन ऐश्वर्य को देखकर वो चकित हो गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। लेकिन छोटी बहू को ये बात ध्यान नहीं रही और उसने गलती से सर्प को गर्म दूध पिला दिया, जिससे उसका मुख जल गया। ये देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर शांत हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना, चांदी, जवाहरात, वस्त्र भूषण आदि देकर उसके घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, तेरा भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी अधिक धन लाना चाहिए। सर्प ने यह बात सुनी तो उसने सभी वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। ये देखकर बड़ी बहू ने कहा, झाड़ने की झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर रख दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरों और मणियों का एक अद्भुत हार दिया था। उसकी प्रशंसा रानी ने भी सुनी और वह राजा से बोली कि साहूकार की छोटी बहू का हार मुझे चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उससे वो हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो। मंत्री ने साहूकार से जाकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेंगी, वो उसे लेकर मुझे दे दो। साहूकार ने डर के कारण छोटी बहू का हार दे दिया। छोटी बहू को ये बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सर्प भाई को याद किया और आने पर प्रार्थना की, भैया रानी ने हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वो हार उसके गले में रहे तब तक के लिए सर्प बन जाए और जब वो मुझे लौटा दे तब हीरों और मणियों का हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वो सर्प बन गया। ये देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। ये देख राजा ने साहूकार के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। साहूकार डर गया कि राजा न जाने क्या कहेगा। वे स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है, मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन धृष्टता क्षमा कीजिए, ये हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरों और मणियों का रहता है और दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। ये सुनकर राजा ने वो सर्प बना हार उसे देकर कहा, अभी पहनकर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वैसे ही हार हीरे और मणियों का हो गया। ये देखकर राजा को विश्वास हो गया
और उसने प्रसन्न होकर उसे ढेर सारी मुद्राएं पुरस्कार में दी। छोटी बहू घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। ये सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी से पूछा कि सही बता, ये धन तुझे कौन देता है? तब उसने सर्प को याद किया। बहन को मुश्किल में फंसता देख उसी समय सर्प वहां प्रकट हुआ और कहने लगा, जो मेरी बहन के आचरण पर संदेह करेगा तो मैं उसे खा लूंगा। ये सुनकर छोटी बहू का पति प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का सत्कार किया। ऐसी मान्यता है कि उसी दिन से स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उसकी पूजा करने लगी।